पाखंडी अंधविश्वास फैलाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। डीडवाना में इन दिनों एक बाबा झाड़फूंक के दम पर कैंसर, गठिया, अस्थमा, सिरदर्द, पथरी दर्द, शुगर, बीपी जैसी बीमारियों को ठीक करने का दावा कर रहा है। डीडवाना के रावतसर में तथा कथित बाबा चार झाड़ों से बड़ी बीमारी ठीक करने का दावा कर रहा है। इस दावे के बहकावे में आकर इन दिनों गाँव में बाबा के झाड़े लगवाने वालों की भीड़ भी उमड़ रही है। बाबा डीडवाना के आसपास के गांव में अपने कुछ चेलों के साथ डेरा डाले हुए हैं और फिर दुख दर्द लेकर पहुंचे श्रद्धालु खासकर पीड़ित लोगों के पानी के छींटे डालकर झाड़ा लगाता है। बाबा के दावे में कितनी सच्चाई है इसको जानने के लिए जब हमारी टीम पालोट गांव पहुंची तो बाबा भीड़ पर पानी के छींटे मार रहा था। बाबा की नजर हमारे कैमरे पर पड़ी तो बाबा ने पानी के छींटे मारना बंद कर दिया। इसके बाद बाबा के समर्थकों ने हमसे कैमरा बंद करने और मंदिर से बाहर जाने के लिए कहा। जब हमारे रिपोर्ट में बाबा से पूछताछ की गई तो बाबा जनता की भलाई के लिए ये सब कर रहे हैं तो हमारी तो आपको हमारी रिकॉर्डिंग से क्या दिक्कत है, ऐसा उन्होंने कहा। तो बाबा बोले, मुझे कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए। और ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी हनुमान तंवर सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हनुमान, सबसे पहले तो ये बताइए कि जब जी मीडिया की टीम वहां पहुंची जहां ये बाबा मौजूद थे, क्या कुछ वहां पर हुआ, किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, अगर आप एक्सप्लेन कर पाए। देखिए, जैसे मैं बता देना चाहूंगा कि तथाकथित बाबा मनेन्तानंद लोगों को झाड़ा देने के नाम से बरगला रहा है। लंबे समय से हमारे पास सूचना आ रही थी कि ऐसा कोई बाबा है जो पानी के छींटे देकर लोगों को सही कर रहा है, लोगों के रोग निवारण का दावा वो कर रहा है। जब हमने वहां पहुंचकर जैसे हमने कैमरा स्टार्ट किया तो जैसे ही बाबा की नजर हमारे कैमरे पे पड़ी तो उन्होंने वहां से साइड हो गया बाबा। और उनके जो समर्थक थे वो हमारे पास आए, वो बोले कि यहाँ वीडियोग्राफी करना मना है। जब हमने कारण जानना चाहा तो कहा कि हमें किसी भी प्रकार की प्रचार की जरूरत नहीं है, हमारे प्रचार हमारे भक्त करते हैं। हमने कहा कि फिर अगर या तो फिर आप गलत हो, और गलत नहीं हो तो फिर हमें आप कवरेज क्यों नहीं करने दे रहे। तो कहा कि नहीं, हमारे यहाँ कवरेज करना मना है। जी बिल्कुल हनुमान, इसके अलावा ऐसा दावा इस तथाकथित बाबा द्वारा किया जा रहा है कि बड़ी से बड़ी बीमारी, चाहे वो गठिया हो या फिर कोई लंबी बीमारी, शुगर, बीपी, इस तरह की जो बीमारियां हैं, उनका सिर्फ झाड़े से इलाज कर देता है, कितनी सत्यता है इस बात में? जो वहां स्थानीय लोग थे, क्या उनसे आपने बातचीत की? जी देखिए, सही आपने जवाब सवाल पूछा है कि जो बाबा है वो झाड़ा देकर कई ऐसे रोगों के सही होने का दवा करता है जिसका मेडिकल साइंस में भी इलाज जो है वो संभव नहीं है। लेकिन साइंस के इस समय में अगर लोग इन बहकाओं में आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत है। ऐसे ही बाबा हमारे समाज को गलत दिशा दे रहे हैं, जहां तक हम कह सकते हैं। बिल्कुल हनुमान, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरह के जो तथाकथित बाबा हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और जो तस्वीरें इस वक्त बयां कर रही है कि भारी संख्या में यहाँ स्थानीय लोग पहुंचे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बाबा आखिर है कौन, कहाँ से ये बाबा आया है और कौन सी इस तरह की झाड़फूंक है जिसको ये करता है और इतनी लंबी बीमारी यहाँ पर ठीक हो जाती है। कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन को कदम उठाने चाहिए और इस पूरी बात की तहकीकात करनी चाहिए। देखिए, जैसे इस मामले में बता देना चाहूंगा कि जो तथाकथित बाबा है जो अपने आप को मनेन्तानंद बता रहा है, उसकी सही पहचान तो अभी तक लोगों को नहीं पता चल पाई है। लेकिन वो अपने आप को रावतसर का, हनुमानगढ़ जिले के रावतसर का रहने वाला बता रहा है। और साथ ही साथ ये भी दावा कर रहा है कि जो रोग उनके झाड़े से सही हुए हैं वो कई हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं। हालांकि हमारे पास कई अपुष्ट सूचनाएं ऐसी भी है कि इनको कई जगह से लोगों ने भगा भी दिया था और इसी वजह से हम वहां पर पहुंचे थे, लेकिन हमें वहां मीडिया कवरेज नहीं करने देंगे। बिल्कुल हनुमान, इसी के साथ सवाल ये खड़ा होता है कि लोगों ने इस तरह के बाबा को भगा के वहां से क्यों भेजा और अब यहां पर पहुंचा है, लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है। मुझे लगता है कि प्रशासन को ठोस कदम उठाने की जरूरत है, संज्ञान लेने की जरूरत है इस तरह के मामलों पर। हनुमान, हालांकि आप नजर बना के रखिए, दोबारा जुड़ेंगे इस पूरे मामले पर आपसे।